नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। सबसे पहले बात होगी पंजाब के भटिंडा में हुई प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की, जब उनका काफिला 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर के नीचे रुका रहा क्योंकि उनके काफिले के रास्ते में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि पीएम मोदी को आगे के सभी कार्यक्रम रद्द करके वापस लौटना पड़ गया। इस घटना के बाद पंजाब की चन्नी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि पीएम के काफिले के रास्ते में किसान कैसे आ गए। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया तो सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने चन्नी सरकार को निशाने पर लिया है। रिपोर्ट देखिए। पीएम के काफिले के रास्ते में कहां से आ गए प्रदर्शनकारी? एक चीज दिखा रहा हूं, मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार। क्या पंजाब सरकार को पीएम के रूट मैप की जानकारी नहीं थी? सामने से मैं और वो एक ही रोड में है, कितना बड़ा बैरिकेडिंग है। पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? ये सवाल उठने की वजह है पंजाब के भटिंडा में पीएम मोदी के काफिले की सुरक्षा में हुई चूक। बीस मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब भटिंडा में प्रदर्शनकारियों ने रोका पीएम मोदी का काम, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। जिनकी सुरक्षा में एसपीजी से लेकर पूरा लाभ लश्कर लगा होता है, जिनका हर कार्यक्रम पहले से तय होता है। पीएम जिस राज्य के दौरे पर होते हैं उस राज्य की सरकार और पुलिस को उनके हर मूवमेंट की जानकारी होती है। लेकिन भटिंडा में प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के काफिले को न सिर्फ सड़क पर घेर लिया बल्कि करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर काफिले को रोके भी रखा। इन तस्वीरों को देखिए, फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला खड़ा है और बगल में बारी बारी से प्रदर्शनकारियों की गाड़ियां गुजर रही हैं। वहीं दूसरी सड़क पर पीएम का काफिला खड़ा है, एसपीजी के जवान पीएम मोदी की गाड़ी को घेरे हुए। अभी हम उसी स्पॉट पे हैं, उसी जगह पर हैं जहां पर उनका जो है वो काफिला रोका गया था। आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के बीच में ही जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि यहीं पर उनका काफिला जो था वो रोका गया था। इस तरफ से आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो ये भटिंडा से फिरोजपुर का जो है वो रास्ता है, सड़क है, और यहीं से प्रधानमंत्री जब आ रहे थे तो उनके काफिले को जो है इसी स्पॉट पर रोका गया है। इस घटना का एक और वीडियो भी सामने आया जिसमें नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में उस सड़क पर प्रदर्शनकारी मौजूद है। हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, सड़क पूरी तरह से जाम, वहाँ काफी पुलिस फोर्स भी तैनात दिख रही है लेकिन प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। देखिए, मैं तो निकल रहा था अपने किसी निजी काम से, लेकिन जब तक हम पहुँचे तब तक यहाँ पूरा शोर मच चुका था। हम पीछे किसी गाड़ी में अपनी में फंसे हुए थे, जब तक हम आगे पहुंचे तो पुलिस ने वो काफिला खदेड़ दिया था। लेकिन जहां तक हमें लोगों ने बताया, लोगों ने ये बताया कि पुलिस ये बोल रही है, प्रशासन ये बोल रहा है कि ये किसानों की वजह से है, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि किसानों के नाम पे राजनीति की जा रही है। अब इस वीडियो को देखें, फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला फंसा हुआ है लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे ये दावा किया जा सके कि पीएम के काफिले को पंजाब में पूरी सुरक्षा दी गई। पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होने पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे गंभीर चूक बताया और पंजाब सरकार से जवाब मांगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम की यात्रा की जानकारी पंजाब सरकार को पहले से दे दी गई लेकिन नियमों के मुताबिक जरूरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुई। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से, उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं, ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी। इस घटना के बाद पीएम मोदी को आगे के सभी कार्यक्रम रद्द करने पड़े। जब पीएम मोदी भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने भटिंडा एयरपोर्ट के अधिकारी को ये कहा, पंजाब के सीएम चन्नी को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा बच गया।
प्रदर्शनकारियों के चलते पीएम मोदी फिरोजपुर नहीं पहुंच सके, तो उधर प्रदर्शनकारी दम भरते नजर आए कि उनके प्रदर्शन ने पीएम मोदी को रैली नहीं करने दी। ताकत ने मोदी नू रैली नहीं करन दित्ती, मोदी नू भजाता इत्थों, उहने किलां दा जवाब तुसीं सड़कां ते अग विछा के दित्ता अज्ज। सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, जिहड़े वीर दम रख के लड़े आ तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। लेकिन इस घटना से इतना तो साफ है कि कैसे देश की पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने चन्नी सरकार को निशाने पर लिया। पंजाब के अंदर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, बहुत बड़ी सेंध लगी। ये कोई अचानक नहीं हुआ, मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर आज कहने जा रहा हूं, कांग्रेस एक डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइन मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है, और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुराभिसंधि को प्रदर्शित करता है। बीजेपी ने पंजाब की चन्नी सरकार और कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश का आरोप मढ़ा, तो कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया। आज जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। वहीं हंगामा बढ़ा तो पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी सामने आए और दावा करते नजर आए कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी, कोई एजिटेशन नहीं था, इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था, अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था, कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। चन्नी लाख सफाई, लेकिन सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या पीएम की सुरक्षा को लेकर ऐसी सियासत होनी चाहिए? क्या पंजाब सरकार ने जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरे में डाला? बठिंडा से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।